हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बैंगन आलू की सब्जी बनाते हैं। ग्रीन वाले बैंगन का बैगन, चार बैंगन है, इसको अच्छे से धुल लेंगे और ऐसे आप बीच में से आधा करके ऐसे बारीक बारीक, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा करके काट लेंगे। सारे ऐसे काट लेंगे, फिर पानी डाल देंगे ताकि बैंगन काला ना पड़ जाए, क्योंकि बैंगन काला पड़ जाता है ना वैसे ही रखने कुछ देर तक, तो इसको अभी कुछ देर तक रखना है, इसलिए मैंने पानी डाल दिया। आलू भी काट ली और बैंगन भी पानी डाल के रख दी हूँ। दूसरी तरफ पैन चढ़ाई, गरम कर इसको और तेल डाल ली उसमें, एक बड़ा चम्मच के बराबर। एक बड़ा प्याज बारीक काट कर चलाएं उसको कुछ देर तक, जब तक ये हल्का सुनहरा ना हो जाए। आँच को लो और मीडियम पे रखिए। ये देखिए सुले हो सुनहरा हो गया प्याज। अब बैंगन और आलू को डालकर भूनेंगे कुछ देर तक। आँच को तेज़ या स्लो या धीरा, दोनों पे रख के भूनना है इसको, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो करें। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक। ये भून गया, देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हल्दी डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब, मिर्ची डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब। मिर्ची आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको तीखा पसंद हो। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, मिला देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया सारे मसाले जो डाला था। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू और बैंगन गल जाए अच्छे से। मिला देंगे, मिलाकर ढक्कन को लगा देंगे और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। फिर ढक्कन खोल कर देखेंगे, फिर पलट देंगे, दूसरी सब्ज़ी चला देंगे थोड़ा, जो ऊपर वाला है वो भी गल जाए। हल्का ही कच्चा रहे तो ही इसमें, ये देखिए इसको उकर लीजिए, चेक कर लीजिए गल गया कि नहीं। ये थोड़ा सा कच्चा रह गया, हल्का सा, तो इसको ढक्कन लगाएंगे 1 मिनट के लिए, फिर ढक्कन खोल देंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि सूखा नहीं बनाना है। अगर सूखा बनाना है तो पानी मत डालिएगा, सूखा मुझे थोड़ा पानी रस्सेदार चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के हरी धनी डालकर 2-3 मिनट तक और पकाएं, और आँच को स्लो रख के फिर ढक्कन खोल कर थोड़ा सा भून लीजिए, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा बस। इसके बाद हरी धनिया डाल दीजिए, सब्जी बनकर तैयार है। अभी गैस को बंद कर दीजिए, पराठा या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।